दोस्तों नमस्कार, AWPL ब्रांड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि AWPL में ज्वाइन होने के बाद कितने बंदे जोड़ने पर कितने रुपए मिलते हैं, या इसमें काम करने के बाद हमको जो पेमेंट आता है वह मंथली का मंथली आता है या कमीशन बेस पे आता है। दोस्तों इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा जो YouTube से जो वीडियो से फ़ोन आते हैं तो पूछते हैं कि सर मंथली में कितना मिलता है, तो ये सब डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि कितने बंदे जोड़ने पर कितने रुपये हमको मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले यह डाउट को आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनी है, बस आप देखते जाइए। सबसे पहले आपको मालूम है कि कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी का बिजनेस प्लान इस प्रकार है। जैसे कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको दो व्यक्ति को ज्वाइन कराना पड़ता है, उसके बाद आपको बाइनरी जो रहता है मैचिंग इनकम आपको मिल जाती है, उसके बाद बोनस इनकम लेने के लिए आपको तीसरा व्यक्ति लेफ्ट में फिर से ज्वाइन कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि व्यक्ति को ज्वाइन कराना ही पड़ेगा या और कुछ अदर सिस्टम है, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा बंदे जोड़ने से पैसे नहीं आता, यहाँ पास SP अकाउंट होने से पैसा आता है। बाय द वे कंपनी में तीन प्रकार का ज्वाइनिंग पैकेज है, 27 SP, 52 SP और एक है 100 SP। आपको मालूम है कि आप कोई भी SP से आप ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस प्लान चलता है 100 SP से, हम उसी से बिजनेस प्लान शो करते हैं, तो मैं भी आपको बताने का कोशिश करूंगा 100 SP से। बाय द वे आप भी 100 SP से 16-17 हज़ार का आप ज्वाइनिंग लेते हैं अमाउंट का, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद आपको इनकम यहाँ पास नहीं आती। दोस्तों आपको इनकम लेने के लिए आपको लेफ्ट में 100 SP का सामान व्यक्ति को एक व्यक्ति को सेल करना पड़ेगा, या आप दो व्यक्ति को सेल करो, या डायरेक्ट आप 100 SP का एक ही व्यक्ति या 52 SP से दो व्यक्ति करा के भी 100 SP आप करा सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो अपने लेफ्ट साइड में SP, उसके बाद राइट साइड में आपको 100 SP का बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब कि 100 SP का बिजनेस जो प्रोडक्ट है वो सेल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 1 SP का वैल्यू होता है 10 रुपया, मतलब कि लेफ्ट में 1 SP राइट में 1 SP होता है, तो दोनों का मैचिंग होकर आपका इनकम आता है 10 रुपया। लेकिन कंपनी मिनिमम इनकम 500 रुपये तक विड्रॉल करती है आपके बैंक अकाउंट में, 50 SP से कम है तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएगा, 50 SP ऊपर रहेगा दोनों साइड लेफ्ट राइट तब आपका इनकम आ जाएगा, लेकिन 100 SP है तो आपका 1000 रुपये आपका मैचिंग इनकम आएगा। उसके बाद आप और नया फिर बिजनेस करते हैं, या आपके जो नीचे में दो लोग हैं वो लोग फिर नया बिजनेस देंगे तभी आपका इनकम आएगा, जब तक नया बिजनेस नहीं जाएगा तब तक आपके बैंक में 1 रुपये भी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों ये रहा बाइनरी इनकम, जो जिसको हम मैचिंग इनकम बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट में आप हो चाहे आपके नीचे में एक बंदा है वह भी 100 SP का किसी व्यक्ति को सामान सेल करता है, तो आपका लेफ्ट में टोटल SP हो जाएगा, 100 पहले का था और 100 नया, 200 SP, और राइट में वही 100 ही SP रहेगा। इसके बाद मतलब कि 200 SP लेफ्ट में होना चाहिए टोटल होना चाहिए और राइट में होना चाहिए 100 SP, मतलब कि 200 लेफ्ट में 100 राइट में। ये जब आपका रेशियो कंप्लीट होता है तब आपको बोनस अलग से आपको 1500 जो पहला लेवल का है ब्रॉन्ज लेवल का वो आपको मिल जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आता, SP से आता है। बाय द वे यही 200 SP दो व्यक्ति करके किया, अगर हम एक ही व्यक्ति को 200 SP का सामान सेल करते हैं लेफ्ट में और राइट में सिर्फ 100 SP का एक व्यक्ति को, तो भी आप जो मैचिंग इनकम और बोनस इनकम दोनों को ले सकते हैं। कहने का मतलब SP से काउंट होता है आपका इनकम, न कि बंदे से, तो दोस्तों इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल क्या हम बात करते हैं, कई व्यक्ति का सवाल रहता है कि सर इसका इनकम हमको मंथली में कितना आता है, ऐसा काफ़ी लोगों का सवाल रहता है नए व्यक्ति का जो डायरेक्ट सेलिंग लगभग नहीं किया रहता है कभी, या इसके बारे में जानकारी नहीं रहते, ऐसे लोग पूछते रहते हैं। तो बताना चाहूँगा कि इसमें जब जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा आपके या आपकी टीम के माध्यम से तभी इनकम मिलेगी, हर हफ्ता बिकेगा तो हर हफ्ता आपको पेमेंट आएगा, आपको मंथली का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। यदि आपका सामान या कंपनी में आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से सामान नहीं बिकेगा तो आपको इनकम नहीं आएगा। अगर 2 महीने तक अगर सामान नहीं बिका तो 2 मंथ तक आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये नहीं आएगा। कहने का मतलब टोटल सेलिंग के ऊपर है, सेलिंग होगा तभी आपको कमीशन मिलेगा, मतलब कि कमीशन बेस आपका जो यहाँ पास इनकम आपको मिलेगी। तो यह कंपनी का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको आपको जानना और आपकी टीम को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी के पास ताकि हर व्यक्ति को ये बेसिक पॉइंट मालूम रहे।